अरे रुको रुको, आ जा रही हो। अरे सुनो तो, अरे ओहो आ गई तुम। अरे छोड़ो बच्चों को, बच्चों को छोड़ दो। क्यों मार रही हो इन बच्चों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ लो आ जाओ। पक्षियों में बाज की अपनी एक हैसियत है, और बाज जब आसमान में उड़ता है तो उसका मतलब होता है कि जमीन पर कोई ना कोई लाश जरूर है, जरूर है। सत्ताईस दिसंबर 1997 तकरीबन सुबह 8:30 बजे मेरे जिंदगी की आखिरी सांसें मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। वैसे मेरा इरादा तो गोली चलाने का था, लेकिन पता नहीं मौत का सामना करने की हिम्मत मुझ में कहां से आ गई थी जो मैंने चुपचाप गोली खा ली। मेरा नाम है तंगम। अगर तंगम को मारना चाहते हैं तो यहां मारिए सर। आपके हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं? निशाना नहीं लग रहा है क्या? आज मेरे करियर का कभी ना भूलने वाला दिन है। मैं हूं सब इंस्पेक्टर पी शिव कुमार, स्पेशली अपॉइंटेड फॉर ऑपरेशन तंगम। निशाना नहीं लग रहा, क्यों पता नहीं। तंगम, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे दिए हुए टारगेट को मिस किए बिना ही मार देता था। शार्प शूटर कहते थे सब मुझे, और उसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा निशाना मिस हो रहा है। तुम्हारे बारे में मैंने जिससे भी पूछा है सब तुम्हें अच्छा ही कहते हैं। मेरे अंदर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तुम अच्छे हो या फिर बुरे? मैं तुमसे सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर हूं। अपने इस गन से अगर फिर से शूट किया तो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी जान चली जाएगी, और इस तरह से मैं सबकी निगाहों में हीरो बन जाऊंगा। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। तुम्हें मारकर मैं घर गया तो मेरा 4 साल का बेटा पूछेगा, डैडी आपने तंगम को क्यों शूट किया? तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है? तुम तंगम से मिनी वीरप्पन कैसे बने? मेरे सीने में गोली मार के सीने के अंदर छुपी हुई कहानी बाहर निकालना चाहते हो क्या? तुम्हारे सीने में दबी हुई ज्वालामुखी को मैं बाहर निकालना चाहता हूं तंगम। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा वो आप पुलिस के एंगल से ही सोचेंगे। मुझे लोगों ने जो नाम दिया है बस वही काफी है सर। नहीं तंगम, मैं दूसरे ऑफिसर्स की तरह करप्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं, अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलो, मैं उसे पूरा करूंगा। एक ही ख्वाहिश है सर। क्या है तंगम? उसे पूरा करेंगे? आप लोग क्यों करेंगे? आपका दिमाग तो पुलिस वालों का दिमाग है। हम पुलिस वाले फांसी लगने वाले की आखिरी इच्छा भी पूरी करते हैं, तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे? बोलो। मैं अपनी अंतिम सांस मां के गोद में लेना चाहता हूँ बस सर,
यही मेरी अंतिम इच्छा है। बस मेरी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। धोखा मत दीजिएगा सर, पहली बार पुलिस वालों पर यकीन कर रहा हूं, धोखा नहीं देंगे ना। ये मेरी रोजी रोटी है, इसकी कसम खाकर बोलता हूं, तुम्हें निराश नहीं करूंगा मैं। हम पुलिस वालों ने भी मां की कोख से ही जन्म लिया है, अगर तुम अपनी मां के घर में उनकी गोद में मरना चाहते हो तो कौन मना करेगा। तुम्हारी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। बोलो तंगम, बोलो। मेरा नाम तंगम है सर, गांव का नाम KGF। गांव में मैं बहुत फेमस हूं, मुझे पकड़ने के लिए पुलिस वाले बहुत परेशान हो रहे थे, उसके बाद आप आए। KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, भारत का पहला गोल्ड माइन वाला गांव, कर्नाटक का पहला इलेक्ट्रिफाइड गांव। यहां से सोना निकालने के लिए ब्रिटिश के लोग भारत आए थे। तंगम इसी गांव का रहने वाला एक नवयुवक, जिसकी कहानी अब हम देखने वाले हैं। कहाँ फंस गया? कहाँ जाना है भाई? शहर में। 30 रुपए लगेंगे, ये रख लो। अब जा बोलोगे वहां चलूंगा। अंदर चल, अंदर चल, ज्यादा होशियारी दिखाई तो घुसा दूंगा। आपने अभी तक जैसा देखा, यही है तंगम का रोज का काम। इस कहानी के बारे में आगे जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। पावली, तंगम की मां, इस कहानी की मुख्य पात्र। वेलूर जेल से माइनिंग का काम करने आए हुए लोगों में से पावली का भी एक परिवार है। इस माइनिंग में सोना मिलने वाली मिट्टी को पीसकर उसके अंदर से सोना अलग करके उसे बेचकर ये परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अरे सेल्वी। हाँ दीदी। कहाँ जा रही है तू अकेले अकेले? घर के काम हो गए? माइंस के पास जाकर डिब्बा देकर आएंगे, चलती है? मैं जरा स्कूल के पास जा रही हूँ दीदी, बाद में आती हूँ। ओ ऐसा? हाँ। क्या
ठीक है, ठीक है, जा जा चलो। सेल्वी सपनों की रानी मेरी बुलबुल, कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी प्यारी खुशबू है। हाँ ए, मेरी बात सुनो ना। प्लीज कॉपरेट करो ना। अरे करो ना, बहुत मजा है। किस तरफ गया है वो? इस तरफ। यही है, चलो चलो। यही है क्या? यही है वो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? ओहो मेरी प्यारी, अकेले आने को कहा था ना, लेकिन तुम तो पुरानी गाड़ी लेकर आ गई। बदतमीज गुंडे मवाली कहीं के। अरे अरे क्या करना चाहती हो? वो गरीब घर की है तो तू उसका फायदा उठाएगा? कमीने कहीं के, मारो मारो इसे। ये तो सेठ का बेटा, लगता है मामला गरम है। ए मारवाड़ी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। हम लोगों की भी कुछ इज्जत होती है। अरे चाहे हम कुली का काम कर ले, पर हमारा दिल साफ होता है। अगली बार हमारी लड़कियों की तरफ देखा ना तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। चलो रे कमीना कहीं का। इधरों की तरफ भाई, छठवां रास्ता है ना। हाँ यार, तो उस तरफ से जाना चाहिए था ना। मैं नहीं भूलूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए सेल्वी, क्या बात है भाई, कोई फोन कॉल आया है क्या? बताओगे तो मुझे खुशी होगी जान के। हम लोग जा रहे हैं ना, तो खुद ही देख लेगा। क्या बात है सेठ, ऐसे क्यों बैठे हो जैसे आपकी औरत मर गई हो? देखो तुम चिंता मत करो, करना क्या है बस इतना बताओ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करूंगा। वो लड़की, वो सेल्वी मुझे चाहिए। तू क्या बोलता भाई? सेठ
मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। भाई के पास ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? अरे भाई से पूछो ना। देखो तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम जैसा बोलते हैं ना बस वैसा करो। परवाह नहीं, तुम दोनों का आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। हाँ सर, आइडिया तो अच्छा ही है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा खर्चा वर्चा मिल जाए तो। सही बोला ना, खर्चा तो होगा ही ना यार। खर्चा होगा। तुम लोगों को पैसे के अलावा दिखता क्या है? ठीक है दे रहा हूँ। ये लो। लक्ष्मी आ गई। जय हो लक्ष्मी माते। सर जी समझिए आपका काम हो ही गया, हम यूं गए और यूं आए। चलो भाई इधर दे, लक्ष्मी मेरे हाथ में अच्छी लगती है। आ गया पुलिस स्टेशन, अब पता चलेगा पुलिस का पावर। हमारे एरिया में चोरी करेंगे, माइंस माइंस में चोरी करेंगे। चलो इनकी पूरी फैमिली चोर है। चलो लेके चलो। नमस्ते सर। चोरी करने की तुम्हारी साहब। पीटो पीटो। माइंस में चोरी करो। बैठना। चल बैठना। और तू अरे ऐसे नहीं मानेगा, जम के तुड़ाई कर उसके। हे भगवान साहब, साहब मैंने गलती की है, मेरे बच्चे को सजा मत दीजिए साहब, उन्हें छोड़ दीजिए साहब, उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? हैं? उस दिन जब सेठ के बेटे को बारिश में मार रही थी और मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, उस वक्त तुमने नहीं सोचा? वो सब तुम्हारा ही किया धरा था ना। उसने अगर लड़की को पकड़ा तो तुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी थी? उस लड़की पे जवानी चढ़ी थी और सेठ के जेब में भी पैसे थे, उनका मामला था, तू बीच में क्यों पड़ गई? अरे बाप रे सर, इतना जल्दी छोड़ दिया? अभी एक राउंड और तुड़ाएगा उसके। वो थोड़ा टी ब्रेक लिया मैंने, चलिए ना चाय पीते हैं। चाय ब्रेक है, चार चाय के लिए बोलिए ना। रवि जरा जल्दी चाय ले के आ। ठीक है सर। क्या है आज तुम्हारी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कल से थोड़ा दूध ज्यादा डालना। ठीक है पी ले। सर मैं अंदर सेकंड राउंड शुरू कर रहा हूँ। हाँ जा जल्दी जा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो बच्चों? ओहो तो ये लोग भी तेरे ही बच्चे हैं क्या? वो जो अंदर बंद है उसका और इन लोगों का एक ही बाप है यार। जुबान संभाल कर बात कीजिए, गरीब है फिर भी हमारी भी इज्जत होती है। ए, चल नहीं, तू चल नहीं अंदर, चलो बैठ। चलो बैठ, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ हम जो बोलते हैं वैसा ही होता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे ओहो आ गई तुम। हाँ? अरे छोड़ो बच्चों को छोड़ दो। हे, क्यों मार लिया उन बच्चों को? हे, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ लो आ जाओ। अरे बेटी ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं जाओ यहाँ से, उठो। दीदी मुझे मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे लिए आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है, अगर ऐसा करने से आप लोगों की तकलीफ दूर होती है तो मैं तैयार हूँ। हे छोड़ दो उन लोगों को। जी सर अपना काम हो गया। हे छोड़ दो इन लोगों को। जाओ दीदी। सुनिए जी, आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ, पर ऐसा करने से एक परिवार की जान बच सकती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझ पाएंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा।
मुझे माफ कर दीजिएगा। सिल्वी, तुझे पता है मैं इस दिन का इंतजार कब से कर रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे चले यहां से निकलो, भागो। सेल्वी, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं, मेरा मन अभी तक नहीं भरा है। मुझे जाने दो भगवान के लिए, मुझे जाने दो। बस एक बार और सेट, एक बार मुझे जाने दो, बस बस एक बार। उस सुनार का खून करने के बाद तंगम ने अंडरवर्ल्ड में कदम रख दिया। यहां से जो उसका भागना शुरू हुआ वो रेस आज तक नहीं रुकी। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ भाइयों का सपोर्ट, दोस्तों का साथ, इन सब की वजह से दंगम KGF में आगे बढ़ता ही गया। एक जमाना था जब लोग KGF की मिट्टी को भी सोना ही समझते थे, मगर आज KGF का मतलब तंगम और तंगम का मतलब KGF। उसके नाम का जलवा कुछ ऐसा है कि पूरा गांव उसे राजा मानता है। कोल्हार, सोने की चिड़िया, यहां सोना बहुत है लेकिन खाना नहीं मिलता। खाने को थूक नहीं सकता, सोने को निगल नहीं सकता। हमारे गांव का सोना अगर हम ही चुराएंगे तो पुलिस वाले हमें ही डकैत और चोर समझकर केस बनाकर अंदर कर देंगे। तो जब उस जमाने में ब्रिटिश यहां से बहुत सारा सोना ले गए तो उन्हें क्या कहना चाहिए? कोई कुछ भी बोले, यहां की मिट्टी पे सिर्फ हमारा हक है। इस मिट्टी में सोना रहता है, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम तंगम रखा है।
ये गांव मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, ये सारी जगह दंगम की है। थोड़ा और दीजिए। हाँ, देती हूँ। ठीक है। हे, पूछा हाँ, क्या? पूछता हूँ। भाई। अरे पूछो ना। माँ तुम क्या कर रहे हो? पूछ ना। क्या बात है माँ? हाँ, कुछ नहीं बेटा। तू खा ना। और थोड़ा डालू क्या? नहीं चाहिए। अरे बेटा। बेटा। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या बात है? वो तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए, लेकिन तुम अब तक ऐसे ही हो। हाँ। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अरे बेटा, तू भी शादी कर ले ना बेटा। मेरे सामने शादी की बात मत करना, मैंने कितनी बार बोल दिया है। हाँ? सुनती क्यों नहीं हो? हाँ, शादी नहीं करूँगा बोल बोल कर सारा गाँव ऐसे ही घूमता रहता है। ऐसे और कितने दिन चलेगा बेटा? अरे मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे भाई की तो शादी करवा दी है, मेरे मरने तक। मरूंगी मरूंगी बोलेगी तो मैं खुद तुझे मार डालूंगा। तू मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा ना माँ। अगर मैं जिंदा हूँ तो खाली तेरे लिए, जरा समझ इस बात को। बड़ी आई मरने वाली बेटा। हे भगवान, न जाने कब होगी इसकी शादी। हे ऊपर वाले, तूने इसके लिए लड़की बनाई है या नहीं? अगर बनाई है तो कहाँ है वो लड़की? पागल कहीं का, बात करने के लिए बोला था ना? हाँ, उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। हाँ। कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा है। अरे पकड़ ले, यहाँ थोड़ा पकड़ रहा है, इधर भी नहीं। अरे नेटवर्क गया, स्टेशन कनेक्ट हो गया। तारा मोटर कार, जिसे मनोरंजन की सड़कों पर तीन भाइयों ने कुछ इस तरह दौड़ाया था कि छोटे बड़े सभी फिल्म प्रेमी पुकार उठे थे, वो देखो। अच्छा हुआ साइकिल चला रही थी, टैंक चलाती तो क्या होता। नमस्ते गुरु। लगता मोटा पागल हो गया। अरे बाप रे भूत। बेटा बेटा, कहाँ गया ये बेटा? बेटा तू यहाँ है क्या? हाँ। क्या? तू थोड़ा जल्दी जा। हाँ। और पुराने घर की सफाई कर दे, कोई आने वाला है बेटा। कौन आने वाला है? अरे वो इस गांव में कोई नई टीचर आने वाली। हाँ। है, वो अपने ही घर में भाड़े से रहेगी। हाँ। ए, तू भी इसके साथ जा। ठीक है माँ। अच्छे से सफाई करना। हाँ। हाँ, चलो चलो चलना यार। चल, चल। आ जाना। अरे बाप रे, इसकी सफाई करनी है, क्या होगा? चुपचाप भाग लेना चाहिए यहाँ से। अरे बाप रे, पेट दर्द हो रहा है। आता हूँ। तो
माँ, रुकिए। माँ, चिल्लाई बेटी, क्या हो गया तुझे? अरे डर गई क्या? ये हाँ। हमारा बॉस है, इसका नाम तंगम है। अच्छा। क्यों बॉस? ऐसे क्यों घूर रहे हो? चुप बे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, पता नहीं था तुम ही मालिक हो। थैंक्स बेटा। थैंक यू बेटा। माँ, पापा, इस फोटो को जरा दीवार पर टांग दो बेटा। इस फोटो को? हाँ इसे ही। अच्छा रुकिए रुकिए। लाइए ये लो। आज तो बहुत मार पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरी जान से भी प्यारी ये फोटो आज बच गई। जिसकी ये फोटो है वो आज लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये फोटो दी हुई। क्या विचार है? चुपना। मैं कहीं भी जाती हूँ ये फोटो अपने साथ ही ले जाती हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ए चल बे। जाओ बेटी, जाकर सबको दे दो, जाओ। क्या हो गया इस लड़की को? हमारे बॉस को ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे भी दीजिए। छोटे छोटे नैनों में अपने भर लो तुम सपने, छोटे छोटे नैनों में अपने भर लो तुम सपने, चलते रहना हर पल तो रुकना ना। नहीं छोड़ूंगा उसे।
अंदर रख, चलो। नमस्ते भाई। काम हो गया ना? पैसे दे दिया क्या? दे दिया भाई। कल से माइंस में कौन जा रहा है? हमारा भाई राजा। अभी से जाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? एक महीने से काम धाम ठीक से नहीं हो रहा है वो इसलिए हमारा आदमी कल से काम पे जाएगा, कोई और नहीं। इसके लिए दूसरा काम देख ले भाई। दूसरा काम? ए, क्या रे, तुम लोगों के जीवन भर का ठेका ले रखा है क्या? नहीं जाएगा ये वहाँ। ए, माइंस में किसे भेजना है इसका डिसीजन मैं लूंगा, तुम लोगों का अब यहाँ कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, सुन लिया ना? अब जाओ। ठीक है भाई, चलता हूँ, चलो। ए, हाँ? जेम्स कहाँ मिलेगा, उसका क्या हुआ? आवारा गर्दी करता फिरता है भाई, अपने जीप में चार लोगों को लेकर हमेशा घूमता रहता है। कॉलेज की लड़कियां दिखते ही छोड़ता नहीं है भाई, उनका रेप करके ही मारता है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। भाई उसमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो। आज मिनी नहीं आई है। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो। हर जगह अपने शिकार को ढूंढता रहता है। ए, चल चल जल्दी यहाँ से। आज तो मजा आएगा। क्या चीज है यार। उस गैंग का लीडर जेम्स ही है भाई। उसे खत्म करने के लिए बोला था ना, उसका क्या हुआ? एक बार मैं और मेरे भाई बचकर भाग गया भाई। एक बार माइंस के पास ही उसे पकड़ा था मैंने। ए, देख किसे लेकर आया हूँ मैं। आज तो तू गया काम से बच्चे, गया गया काम से। इसका सर फोड़ दो। क्या चल रहा है यहाँ? कौन थे वो लोग? कहाँ गए वो लोग? भाग गए सर। पुलिस के आने की वजह से ही उस दिन वो बच गया। तेरे जैसे नकारे से एक काम भी नहीं होता। कल कोर्ट में गवाही देने के लिए वो आ रहा है, उसे वहीं पकड़ कर खत्म कर दो। कोर्ट के पास बहुत लोग रहते हैं भाई, वहाँ सिक्योरिटी भी टाइट है। पुलिस वालों के रहते उसे मारना मुश्किल है भाई। भाई पुलिस पुलिस के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे जो भी हो जेम्स को खत्म कर दो। अगर वो जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा, अगर तुझसे नहीं होता तो हमारे आदमी कर देंगे। किसी काम के नहीं है ये लोग। ए जय कुमार, हाँ? पहले हमें उसे ही मारना पड़ेगा। हाँ भाई, बोलो क्या करना है। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई पे हाथ उठाया। ओ, वो कमीना काउंसलर हमारा ही पालावा कुत्ता है और हमें ही नीचा दिखा रहा है। अरे क्या हमारी कोई औकात नहीं है? ए, इसको मारो उसको मारो, हम लोग क्या बस ऑर्डर फॉलो करते रहेंगे? अगर उसे छोड़ दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बताओ क्या करना है? कुछ तो करना पड़ेगा। ए तंगम, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे तो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तू यहाँ क्यों आया? भाई मैं तो यहाँ आने से मना कर रहा था। ए, ले जाइए इसे। ठीक है भाई, बॉस चलते हैं यहाँ से।
अपना भाई इतना परेशान क्यों है? वो क्या ना बॉस, वो जेम्स का मामला है। अरे वो अभी तक जिंदा है, जेम्स को अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा? इस बात के लिए काउंसलर ने तुम्हारे भाइयों को बुलाकर बहुत डांटा है और उसी गुस्से में वो लोग वहाँ से आ गए हैं और तब से जो है वो यहीं पे रह रहे हैं। यही बात है बस। वो जेम्स है ना, वो कोर्ट में गवाही नहीं देना चाहिए, बस यही चाहता है काउंसलर। हाँ, अगली तारीख पर जेम्स की कोर्ट में गवाही होने वाली है। तारीख कब की है? जल्दी आ, चल। जाओ, जाकर उस जेम्स को लेकर आओ। तंगम, ये कोर्ट है, तुम्हारे भाई ने यहाँ मना किया है। तुम लोग जाओगे या मैं जाऊँ? अरे मेरी बात तो सुन। अरे तंगम, पुलिस वाले तुझे पहले से ढूंढ रहे हैं, मैं जाकर बुलाता हूँ, ठीक है? जा जा। हैं? पूरा गैंग ही आया है। मैं लेकर आता हूँ। जेम्स। क्या है बे? हैं? हैं? बॉस बुला रहे हैं, चलना। किसका बॉस? वो हमारे बॉस है, आइए ना, आइए आइए आइए। ए, तुम लोग चाय वाय पियो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, आइए। बॉस, आ गया जेम्स। ए, क्या रे तंगा, यहाँ क्या कर रहा है तू? क्या हुआ रे? पुलिस इसको सारे गांव में ढूंढ रही है और ये यहाँ बैठा है। क्या रे मोटे, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कहानी सुनाने के लिए मैंने तुझे यहाँ नहीं बुलाया। कोर्ट में तू गवाही नहीं देगा, ये बात काउंसलर ने मेरे भाई को बताई है और मेरे भाई ने मेरे को बताई, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, कोर्ट में गवाही दिए बिना चुपचाप निकल यहाँ से। ए, तू होता कौन है मुझसे ये सब बोलने वाला? कल का आया हुआ लौंडा तू मुझे ऑर्डर देने लगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है ना कि मैं कौन हूँ और मेरा भाई कौन है? मैं गवाही जरूर दूंगा। ए मोटे, इसको लेके निकल। अरे कहो तुम लोग, देखो ये जेम्स भाई को मार रहा है, जल्दी आओ। अरे कोई बचाओ। तंगम मेरे भाई, आज कोर्ट में तूने सबके सामने मेरे दुश्मन को मार डाला और अब तू मुझे मारने के लिए चला आया, बहुत खुशी हुई मुझे। तंगम, आज से तू मेरा दुश्मन नहीं है। तू मुझसे क्या चाहता है बोल, मैं वो सब तुझे दूंगा। मैं जब तक हूँ इस शहर में तुम जो चाहे वो करो। हम जी रहे हैं तो उन माइंस की वजह से।
इसलिए माइंस के मामले में कोई नहीं आना चाहिए। क्या कहा? कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, आज से माइंस तुम्हारी हुई, तुम ही यहाँ के मालिक हो, जो चाहे वो करो। ये कोल्हार मेरा है, मैं जब तक हूँ तब तक ये माइंस तेरी है। ये सब तंगम का है। एसपी कुशल, हर जिले में एक एसपी तो होता ही है, लेकिन ये केजीएफ में तंगम के लिए स्पेशली अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने अपॉइंटमेंट के पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर दिया है। नमस्कार सर। बाबू जरा उठाओ। सर, सर उठाकर तंगम के बारे में पूछो। सर, सर, सर आप तंगम को जानते हैं? सर, सर आप तंगम को पहचान सकते हैं? तंगम को जानते हैं क्या सर? सर तंगम को आप जानते हैं सर? देखिए पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, चलिए यहाँ से। देखिए सर, तंगम के डर से हमारे जज साहब अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। उस तंगम का नाम सुनते ही जज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। क्या वो इतना खतरनाक आदमी है? हाँ सर, केजीएफ में हर तरफ उसका ही बोलबाला है। इस गांव में बहुत तेजी से उसने अपनी ताकत बढ़ाई है सर। सर ऐसे कीड़ों को जितनी जल्दी हो सके मारकर फेंक देना चाहिए सर, नहीं तो जो कलंक हमारे डिपार्टमेंट पे लग रहा है उसे हम नहीं धो पाएंगे सर। बस आप हम लोगों को परमिशन दीजिए, we will go to take action सर। अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसा है जो तंगम के बारे में सही सही जानकारी और क्लू हमें दे सके? है सर, हमारे डिपार्टमेंट में दो लोग हैं सर, एक का नाम है राम और दूसरे का कृष्णा। सर ये दोनों कोलार गांव से ही हैं। इन्होंने तंगम और उसकी फैमिली पर कोलार गोल्ड माइन से सोना चुराने का इल्जाम लगाया था सर।
आज दंगम के मिनी वीरप्पन बनने की वजह ये दोनों ही हैं सर। इन्हीं की वजह से दंगम आज इतना खतरनाक हो चुका है। लास्ट टाइम दंगम के केस को हैंडल करने वाले ये दोनों ही हैं सर। अगर हम इन दोनों का सही ढंग से यूज कर सकें तो दंगम को बहुत ही आसानी से गिरफ्तार कर सकते हैं। वो दोनों बहुत चालाक हैं सर। अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा सर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चेन, मेरी चेन। अरे मेरी चेन लेकर भाग गया। अरे मुझसे मुश्किल कहाँ जाएगा तू? नहीं सर, कल मुझे छोड़ो, चोरी करेंगे। साहब साहब, क्या साहब मुझे छोड़ो साहब। नहीं साहब, मेरी बात सुनो साहब। क्या मैं चोरी? रुको ना साहब। क्या साहब? कोलार गांव में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सोचा था क्या? हम दोनों यहाँ अगर किसी को चोरी भी करनी है तो हम लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझा तुम लोग? क्यों भाई? बिल्कुल सही सर, हमको बिना बताए कुछ भी करोगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आज का सबक जिंदगी भर याद रहेगा, क्यों सर? सही बोला तुमने। चोरी करोगे? इनका इलाज कर। चोरी करेगा तू? निकाल रे। चोरी करेगा, चोरी करेगा, चोरी करेगा। तुझे काट के पूरे गांव को बिरयानी खिलाऊंगा। चोरी करेगा, चोरी करेगा। हमें भी ना बताए चोरी करेगा तू। अपना काम हो गया ना, चल चलते हैं। ठीक है सर, चोरी करेगा। हे भगवान। सर, इन्होंने काफी मेहनत की है। ये रख लो, रख ले, 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 ले। रख ले, तू भी रख, रख ले, ले, ले। अबे ले ना बेवकूफ। सर चलो चोरी की दुकान में चलते हैं, जो मिलेगा आपस में बांट लेंगे। सही कहा। अच्छा हाथ लगा आज। सर अगर हम दोनों पुलिस वालों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस तंगम नाम के क्रिमिनल को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। ओके, वो दोनों जहां भी हैं उन्हें जल्दी बुलाओ। एक बात बोलूं, तंगम अगर अपने हाथ लग गया तो अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही, उसे मार कर पैसा लेकर कहीं दूर जाके सेटल हो जाएंगे। तो राम और कृष्ण। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम दोनों को यहाँ पे मैंने क्यों बुलाया है तुम लोग जानते हो ना? जानते हैं सर। वैसे तो इस तरह के केस को इंस्पेक्टर को ही हैंडल करना होता है, मगर तुम लोग इस केस को पहले ही हैंडल कर चुके हो, इसलिए
तुम लोगों पर भरोसा करके ये केस मैं तुम लोगों के हाथों में दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को तंगम को अरेस्ट करना होगा, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए सर, उसे कैसे पकड़ना है ये हमको अच्छे से पता है सर। सर, तंगम को पकड़ के जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके हाजिर हो जाएंगे सर। गुड, वेरी गुड, गो अहेड, चलते हैं सर। थैंक यू सर। चल मैं अंदर। ए, अंदर लेके चल इन लोगों को। चल अंदर, चल अंदर, बताता हूँ तुझे, चल। तुम रहो गई है लेकिन तुम लोग खेल अभी तक नहीं रुके हैं। चल अंदर, चल, बताता हूँ, चल। तुम लोग ऐसे नहीं सोचोगे ना। इन लोगों को हेलो एसपी साहब, गन मेरे पास है। ये गन नहीं जानती क्या आप में और मुझ में क्या फर्क है। ये आपको भी मार सकती है, मुझे भी मार सकती है। कोर्ट में जज के सामने एक को मारा था, तो आपको भी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे माँ बाप ने कोई गलती नहीं की, उनको रिलीज कर दो, मैं सरेंडर होता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं वैसा ही करता हूँ। मैं उन लोगों को बाद में रिलीज करूँगा, तुम पहले गन दो। ये नहीं हो सकता, पहले फ़ोन करके उनको रिलीज करने के लिए बोलो। मैं तो सरेंडर हो ही रहा हूँ ना। मार मार के हाथ में दर्द हो रहा है। अरे सर, फोन बज रहा, देखो ना। हेलो, राम बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं एसपी कुशल बोल रहा हूँ। हाँ सर, तंगम के माँ बाप इस समय हिरासत में है ना, उन्हें जल्दी से रिलीज कर दो। तंगम ने सरेंडर कर दिया है, अब उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। क्या सच में सर? हाँ सच में। सर वो, तुम तुरंत उन लोगों को रिलीज करो, दिस इज माई ऑर्डर। ठीक है सर। तंगम को मैं पुलिस स्टेशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है सर। क्या हुआ सर? साहब ने क्या बोला? बोल रहे हैं कि तंगम ने सरेंडर कर दिया है। और उसके माँ बाप को छोड़ने का ऑर्डर दिया एसपी साहब ने फोन पे। ये तो उल्टा ही हो गया। सोचा था कि उसको पकड़ कर अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, पूरा प्लान ही गड़बड़ा गया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे अब? मेरे ऊपर तुझे भरोसा है ना? साहब के ऑफिस का नंबर क्या है बोल तो? 234267। ए, रिंग हो रही है, रिंग हो रही है। अच्छा, हेलो सर, मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। क्या बात है, जल्दी बोलो। सर मेरी बात सुनिए। सर अगर आप मेरी बात मानेंगे तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात होगी सर। ओके सर, क्या दिमाग है आपका, सुपर मास्टर प्लान सर। ए, अब उस बुढ़े बुढ़ी को रख के हम क्या करेंगे? साहब की बात की इज्जत रखने के लिए छोड़ दो उनको। ए, छोड़ दे उन सबको। एसपी कुशल ने कांस्टेबल राम की बात सुनकर तंगम से इंक्वायरी करने के लिए एक स्पेशल टीम को डिप्यूट किया।
पूरा पैसा कहाँ छुपा रखा है? मेहनती लोगों के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं पैसों के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ। जो कल के लिए डरता है वही पैसा जमा करता है। ना ही मैं डरता हूँ और ना ही मेरे पास कोई पैसा जमा है। आप जितनी बार भी पूछ लो मेरा जवाब यही रहेगा। चलो शुरू हो जाओ। नाटक कर रहा है और टॉर्चर करो इसे। सच बोल दे, जल्दी मुंह खोल, बोल 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 दे, बोल। नहीं बोलेगा, बोल। इतना टॉर्चर करने के बाद भी मुंह नहीं खोल रहा है तू? क्यों नहीं बोल रहा है? भूख लगी है सर, बहुत भूख लगी है। इतनी भूख लगी है कि मेरा गर्म खून पीने का दिल कर रहा है। कभी आपको ऐसी भूख लगी है सर? भूख जो चाहे वो करवा सकती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ क्यों आया? पुलिस के आगे सरेंडर होना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है भाई? माँ बाप को छुड़ाने का यही एक रास्ता है। ऐसा मत कर यार। ऐसा मत कर यार। एक महीने बाद बाहर आ जाऊंगा। अब चलता हूँ मैं। अच्छे से संभालना सब। चलता हूँ। हे तुम जाने दो से। मेरी बात सुनो।
चल आगे। वाले नंगा करके गली गली बेइज्जत करके चारों ओर घुमा रहे हैं। कहाँ पर? वो बगल वाली गली में। कहा था तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, तो अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो आपसे बात करने का दिल तो बहुत करता है, वैसे लोग तो मुझे देखकर बहुत डरते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे आपसे बहुत डर लगता है। आपके अलावा किसी के भी बारे में मैंने ऐसा सोचा नहीं। माइंस में 300 फीट अंदर जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, वैसा अभी हो रहा है। आपने जो गाना गाया था वो अब तक दिमाग में घूम रहा है, और वो आपने गाया है ये जानने के बाद आप मुझे बहुत पसंद आ गई और मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आप भी मुझे चाहती हैं ऐसा मुझे लगता है। मैं सच कह रहा हूँ ना, आपकी नजरों से लग रहा है। और एक बात बतानी है। क्या बात? एक छोटे से लफड़े में मुझे जेल जाना पड़ेगा, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, बस एक दो महीनों के लिए। जेल से आते ही आप हाँ कहेंगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी जेल से लौटने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आओगे ना? चल बे। हे उधर क्या देख रहा है, चल। सर कल रात को आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे साथ कौन कौन है, वो देखिए वो जो पीछे आ रहा है ना वो है। अरे चुपचाप चल 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 महेश। ए छोटू भाई, मत जा बॉस। नहीं यार, बस दो महीने की बात है। नहीं बॉस, नहीं 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 बॉस मत जा, नहीं नहीं बॉस मत जा। बॉस तूने मुझे क्यों फंसा दिया? तुझे छोड़कर मैं जेल में अकेला कैसे रह सकता हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपने साथ फंसा दिया। अब चल बॉस, ये लोग बहुत जोर से मारते हैं। तुझे भी दिखाता हूँ, चल। मेरे रहते हुए तुझे मार नहीं पड़ेगी, चल चुपचाप। मैं भी गुंडा हूँ। बॉस बॉस तुमने
कहा था कि मुझे मारनी पड़ेगी, ये क्या हो रहा है बॉस, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए बॉस, सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, अरे बाप रे मर गया, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर 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 एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, छोटू मेरा नाम क्यों लिया? भैरव महेश आप निकालो सर, निकालो निकालो, hey, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, रुको यहाँ, hey, दरवाजा खोलो, नमस्ते सर, आओ आओ, चलो लाइन में खड़े हो जाओ, तुम लोग भी निकालो जल्दी जल्दी, मेरे पास क्या है, एंट्री करनी है सबके, ए चलो जल्दी जल्दी करो दीदी, अंदर पंखा होगा ना, ए चल रे चल, आजा आजा चला, हाँ आजा 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 चला, आजा आजा यहाँ लाइन से सब लोग बैठ जाओ यहाँ, अरे बाप रे, अरे ए, मोटे ठीक से बैठ, ये आराम करने की जगह नहीं है, ऐसे क्यों मार रहे हो सर, चला गया चला गया चला गया चला जा, निशान दिखा, हाँ ठीक है निशान दिखा, हाँ यहाँ पे अंगूठा लगा, चल जा मोटे चल दिखा, ये क्या है रे, इतना मत फूला फट जाएगा, बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगा, चल आगे बढ़, चल चल निकल, ए तू आ इधर, ये क्या नाटक है यार, निशान दिखा उधर दिखा, ए तू आ गया, हाँ चल निकल, चल जा, आजाद पंछी की तरह उड़ने वाला दंगल एक पिंजरे में जा रहा था, लो जाओ चलो आगे, चलो आगे, क्या नाम है दंगल, एक जगह खड़े मत रहो, आगे बढ़ते रहो, बस बस जाओ जाओ हो गया जल्दी जाओ, बेटा कैसा है तू, ठीक है ना, इतना सूख क्यों गया है तू, खाना नहीं खाता क्या, वो सब छोड़ो माँ, जमानत का क्या हुआ, लॉयर से बात कर ली है, 2 दिन में बेल हो जाएगी बोला है, तू परेशान मत हो बेटा, टाइम पे खाना खाया कर, ठीक है तुम जाओ अभी बेटा, लेकिन जाओ बेटा जाओ, अगर मेरी जमानत हुई तो दोस्तों को भी किसी तरह छोड़ा नहीं होगा, मुझे तो जमानत मिल जाएगी लेकिन मेरे दोस्तों का क्या, तंगम आ गया, तंगम आ जा बेटा, तंगम की दुनिया अब जेल की 4 दीवारी के अंदर सिमट चुकी थी, सब बराबर है ना? सब ठीक है, 2 दिन में बेल करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए ठीक है, आप घर जाइए, माँ जी केस इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोर्ट से बेल मिलना मुश्किल है, मैंने बहुत कोशिश की माँ जी लेकिन अब एक ही रास्ता बचा है कि हाई कोर्ट में अपील करें, माँ ऐसी खामोश क्यों खड़ी हो, बोलो क्या हुआ, ए, क्या हुआ बोलो, केस बहुत स्ट्रांग है, लॉयर बोला हाई कोर्ट से हमें बेल लेनी पड़ेगी, ठीक है तुम जाओ, तंगम ये लो जाओ अभी, ठीक है you
कभी आजाद पंछी की तरह उड़ने वाला तंगम आज एक मजबूर परिंदा था। क्या वे मोटे कितना खाकर आया है? अरे बोल ना, और खाएगा क्या? अभी से देख रहा हूँ तुम मेरे को ठोक रहा है बार बार। अबे अरे क्या कर रहे यार? अरे क्यों मार रहे हो? क्यों कर रहे हो? तू खिलाता है मुझे? पागल हो गया? तू खिलाएगा मुझे? उठ जा। ए इधर चल यार, तू भी ना, कितना मार दिया उसे। बहुत डेंजर हूँ, सावधान रहना मेरे से। मुझे घूर रहा था वो, कैसे छोड़ देता उसे? है नहीं नहीं, देख तंगा ऐसे नहीं चलेगा, बना के रहना पड़ेगा। ए चुप नहीं बैठ सकता, जब देखो बकबक करता रहता है। मार डालूंगा तुझे। मुझे क्यों मारा उसने? कॉमेडियन को कॉमेडियन के जैसा रहना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। मैं जो कर रहा था वो कॉमेडी था। मुझे लगा गुंडागर्दी है। तेज धूप है। माजी, अरे माजी! क्या रे? क्या हुआ? तंगम जेल से भाग गया है, पुलिस वाले उसे इनकाउंटर करने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहा है? अब वो नहीं बचेगा माजी। हे भगवान, माजी माजी संभालिए अपने आप को। माजी 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 माजी, क्या है? क्या हुआ माजी? वो जाओ, तुम लोग जाओ जाओ। हाँ हाँ, चलो चलो। ए चलो। तुम लोग बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम नीचे बैठ। क्या हुआ? तंगम को पकड़ने के लिए शिव कुमार नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर आया है। वो बहुत कड़क है, लोग बोल रहे हैं कि वो बातों से कम और बंदूक से ज्यादा बातें करता है। लोग बोल रहे हैं कि वो तंगम को मार देगा। Thank you.
छह बुरा सपना था। दंगम को पकड़ने के लिए एसपी कुशल ने जो भी रास्ता अपनाया सब में फेल हो गए। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, एनकाउंटर। वेलकम टू केजीएफ मिस्टर शिवकुमार। थैंक यू सर। शिवकुमार, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, इसीलिए मैंने आपको ऑपरेशन तंगम के लिए चुना है। यस सर। आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके तंगम को अरेस्ट करना होगा। यस सर। मिस्टर शिवकुमार, उस तंगम को पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट के सभी लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, ऑफिशियली भी और पर्सनली भी। सर, बाय द वे, इस ऑपरेशन में जिन ऑफिसर्स को आपके साथ रहने के लिए चुना गया है वो आज से ही आपके साथ रहेंगे। ओके सर। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम नहीं जानते, मगर 2 से 3 महीने के अंदर तंगम हमारी कस्टडी में होना चाहिए। यस सर, आई विल डू माय बेस्ट सर। गुड लक। थैंक यू। शिव कुमार, उसके बारे में कुछ पता चला? यस सर, तंगम का एक अपोजिट गैंग है जिसका हेड है काउंसलर रमेश। तंगम ने पिछले महीने कोर्ट में जिस जेम्स का हाथ काटा था वो काउंसलर रमेश का भाई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सर। उन दोनों के बीच की दुश्मनी को हम अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से और बढ़ाकर उन्हें यूज कर सकते हैं सर। रमेश को उकसाने का आइडिया मुझे अच्छा लगा, उसको एजिटेट करके रमेश के सपोर्ट से हम तंगम को पकड़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। इज इट? ऐसा है तो आगे बढ़िए, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। यस सर, थैंक यू। सुन, बोल तंगम कहाँ है? बोल। अबे देना, खत्म करके देगा क्या? क्या कर रहा है? अरे
टल्ली हो गया साला। अरे ये क्या, अरे अरे क्या कर रहा है, छोड़ दो इसे, मत 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 मत, अरे 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 जबे ए नंदो, जाओ उसको फोन करके आ जा। ठीक है भाई। भाई साहब 5 रुपए का ये दो ना। पता नहीं क्यों लेकिन बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हो बॉस, कुछ नहीं है, वो गया है ना, आ जाएगा। देखो बॉस आ भी गया। तू फोन करने गया था ना, क्या हुआ? वो क्या हुआ वो, ए बोलना क्या हुआ, हाँ क्या हुआ बता, ए जल्दी बोल। वो माजी को काउंसिलर रमेश ने मारा है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। शांत हो जाओ।
अभी कुशल के रचे हुए चक्रव्यूह में दंगम बुरी तरह से फंस चुका था। माँ, माँ, हाँ, माँ, उठो माँ। क्या हुआ बेटा? तंगम को काउंसलर के आदमी ने मार दिया है। हाँ? बेटा, सिस्टर, इसे हॉस्पिटल का खाना जमता नहीं है। यहाँ बाहर का खाना खिलाना अलाउड नहीं है। ये बाहर का खाना नहीं है, मेरे घर का खाना है। घर का होने दो या बाहर का, यहाँ हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। सिर्फ दो चम्मच दीजिए सिस्टर। एक बार कह दिया ना। सिर्फ दो ही? आपको बात समझ में नहीं आती क्या? जाइए यहाँ से। सिस्टर, सिर्फ दो चम्मच। मैंने आपसे कह दिया ना, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। मैं खिला रही हूँ ना इसे। सिस्टर, क्यों आप इस तरह से परेशान कर रही हैं मुझे? एक बार कहा ना, जाइए यहाँ से। जितनी भी कोशिश कीजिए, यह बाहर का खाना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसे ही करती रहेंगी तो मैं भी इसे खाना नहीं खिला पाऊंगी। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। ये सब क्या कर रही हैं आप? ये दो डिब्बे किसके लिए लाई हैं आप? ये तुम्हारे लिए है बेटी, ले लो। कोई खास बात है क्या? आज इसका जन्मदिन है बेटी, इसलिए। ओ, और ये किसके लिए? ये मेरे बेटे के लिए है। आप मानेंगी नहीं ना? माँ के हाथों का बना हुआ खाने का टेस्ट इतना अच्छा होता है, मेरे भाग्य में तो ये नहीं है। लेकिन जिसके भाग्य में है, मैं उसे खाने नहीं दे रही। कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ मैं, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गुड मॉर्निंग। सिर्फ दो चम्मच बेटी, खाना खाए बिना देखो मेरा बेटा कैसा हो गया है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ दो चम्मच देने दे बेटी। आप खिला लीजिए। हाँ बेटा, हाँ
आराम से बेटा। तंगम। मेरा बेटा। क्या हुआ? कहाँ गया ये? हे भगवान, मुझे इसे छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। कहते हैं अगर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तंगम के पीछे तो दो औरतें थीं, एक माँ और दूसरी उसकी प्रेमिका। ऐसे में दुनिया में कौन सी ऐसी दीवार थी जो तंगम को बंदी बनाकर रख सकती थी? तंगम, क्या हुआ तुम्हें? तंगम संभाल के। तंगम, तंगम क्या हुआ? तंगम, तंगम क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तंगम उठो, तंगम। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? संभल कर, संभल के उठो। मैंने जो भी किया वो गलत है या सही है ये बताने वाला कोई भी नहीं था। तुम ही बताओ मैंने सही किया या गलत। ठीक है, ऐसा है तो हम कहीं दूर जाकर एक सुकून की जिंदगी बिताएंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे साथ आने से पहले मुझे 3 लोगों को मारना है। उसके लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। जैसे ही काम पूरा होता है मैं आ जाऊंगा। मेरे पास आओगे ना तंगम? तुमसे जुदा होके मरने की ताकत मुझ में नहीं है और मुझे मारने की ताकत उन लोगों में नहीं है। और ये क्या हो गया? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। अब चालू कैसे होगी? अब क्या करूं, गाड़ी ने भी धोखा दे दिया। भगवान, इसे भी यहीं धोखा देना था। अब क्या करूं? अरे क्या कर रहे हो तंगम? ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों बांधा है? <laughs>
माँ जी। हाँ? क्या है वनजा, क्या चाहिए? माँ जी, आपसे तंगम के बारे में कुछ बात करनी थी। बोलना, क्या बात है? अगर आपको ठीक लगे तो। ठीक लगे तो? तंगम से ये सब छुड़वा कर उससे शादी करके हम लोग कहीं दूर जाकर अपना संसार बसा सकते हैं। क्या बेटी, क्या कहा तूने? कितनी अच्छी बात कही। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। इस पल से मैं अपने बेटे को तुम्हें सौंप रही हूँ बेटी। हाँ, पर इस गांव में नहीं। तुम लोग कहीं दूर जाकर सुकून से जियो। मैं और कुछ नहीं चाहती, मेरी बस यही इच्छा है बेटी, यही इच्छा है। सच में खुश रहो। हाँ, आशीर्वाद दीजिए माँ। अरे अरे, ये सब क्यों बेटी? खुश रहो, खुश रहो। जाओ। छोड़ो मुझे। अरे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। ए तंगम, छोड़ दे तंगम, माफ कर दे तंगम, मेरी कोई गलती नहीं है। माफ कर दे तंगम, तंगम मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं तंगम, नहीं।
तो धंधा ही अच्छा नहीं है। कुछ मिला ही नहीं। सच में। अरे जल्दी खोले यार, क्या करता है? जरा दे तो। मेरी बात सुनो, हेल्प करो, मेरी मेरी हेल्प करो। ये चेन ले लो, लो लो, ये ब्रेसलेट भी ले लो, ये वॉच, ये अंगूठी, सब कुछ ले लो, ले लो ले लो। मेरी बात सुनो, उसे खत्म कर दो, खत्म कर दो उसे, चलो उसे खत्म कर दो। हाँ मेरे साथ, हाँ हाँ हाँ। देखो यही है वो, इसे खत्म कर दो। जो टाइम दिया था उसमें मैंने अपना काम कर दिया, सबको मार डाला। अब आगे
दे दो। हाँ, लेकर आया। ले लो। हाँ दीजिए। अब पहनाओ। हे भगवान, अब से सब अच्छा होना चाहिए। ले लो, अक्षता ले लो। तुम लोग दो। मुझे ये लो। अब बात। एक फोटो खींचो क्या? ठीक है, खींचो। आओ सब लोग बैठ जाओ। अच्छे से फोटो खींचो। तंगम ने अपने प्यार के साथ गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। खुश रहो, खुश रहो। अब हम चलते हैं। बेटी वनजा, मेरा बेटा तंगम बहुत भोला है, उसे सही रास्ते पर सिर्फ तुम ही ला सकती हो। तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। ऐसे हाथ मत छोड़िए माँ जी, आपका आशीर्वाद रहा तो सब ठीक हो जाएगा। तंगम, बहुत देर हो गई है। अपना ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। चलते हैं माँ जी, खुश रहो। रुको रुको, चलो। हाँ। चलते हैं। चित्तूर आ गया, चलो उतरते हैं। आओ। ओके। क्यों भाई, इतना लेट क्यों? भाई अब बस लेट हो गई इसलिए। बस बस बस, ये रुको रुको रुको, पैसे दे, पैसे। आजा आजा आजा। चित्तूर में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हारे लिए बुक करके रखा हूँ। आजा आजा आजा। आओ। देखो टीवी, बेल, फर्निश, आप लोग के लिए सब रिजर्व करके रखा हुआ है। तीन चार लोग मांग रहे थे, मैंने कहा नहीं। आजा और दिखाता हूँ। देखो ये भी एक कमरा है, और ये किचन, उधर टॉयलेट है, और ये बेडरूम। आप लोग के लिए बेड भी तैयार है एकदम, बस रात को आओ और सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, ठीक है ना? चलेगा ना? ये चाबी। ये लो। अच्छा वो मेरा कमीशन। अरे पूरा ही दे दीजिए ना सर, चलता हूँ मैं। बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। Hmm.
छोड़ो छोड़ो मुझे नहीं नहीं छोड़ो मुझे चलो लेकर आओ बस यही हुआ था सर उसके बाद क्या हुआ ये आप तो जानते ही हैं सर मेरी वैशाली कहाँ है वैशाली कहाँ है सर वैशाली के साथ आपने क्या किया सर मेरे वैशाली को बुला लीजिए जिस वैशाली को तुम अपनी बीवी मान रहे हो तुम्हें पता भी है कि वो वैशाली कौन है उसकी सच्चाई कुछ और ही है मेरा नाम वैशाली मोहन है मोहन कुमार मेरे पिता थे वीरप्पन को पकड़ने के लिए गए थे वहां जिन पुलिस वालों ने अपनी जान दी थी उनमें से मेरे पिता भी एक थे उन्हें खोकर मैं 12 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई उस दिन से जब भी क्रिमिनल्स को देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है अनाथ हूँ इसलिए मेरे माँ बाप गुरु देवता सब कुछ एसपी कुशल सर ही हैं तंगम के बारे में इन्फॉर्मेशन देकर मैं उनका एहसान चुका रही हूँ या अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ ये मुझे नहीं पता ऑपरेशन तंगम का आखिरी दिन है दिल को बहुत सुकून मिल रहा है मेरे पापा भी मेरे इस काम से बहुत खुश होंगे अब से आप लोगों का कोई काम नहीं है ठीक है आप लोग जा सकते हैं कहानी में मेरा रोल खत्म हुआ मैं चलती हूँ चलती हूँ किसे कहूँ जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसे या फिर मेरे प्यार को जिसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया ए तंगम तंगम आ जा जरूर जा जल्दी चला जा ए क्या कर रहे हो गाड़ी स्टार्ट करो नहीं सर मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर नहीं नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तंगम को मैं जीने नहीं दूंगा मेरी बात मानो उन्हें जाने दो कानून के हिसाब से यह गलत है मगर इंसानियत के हिसाब से वो जो कर रहे हैं सही है साइड दो मुझे जाने दो हटो हाँ
तंगम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे कौन है बाबा? अरे खोलो दरवाजा, मैं कह रहा हूँ। अरे देखिए, निकलो बाहर, शायद कोई गिर गया है। देखो उधर, आइए आइए, देखो जल्दी आइए, जल्दी हे भगवान, देखो। हाँ तंगम, बेटा तंगम, क्या हुआ तुझे? हुआ तुझे बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बोल बेटा। तंगम, तंगम क्या हुआ? तंगम आंखें खोलो। तंगम बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे? बेटा तंगम, तंगम क्या हुआ तुझे? क्या हो गया उसको? क्या हो गया? तंगम पकड़ो इसे। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें, उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया है। मैं कहीं और मरने वाला था, मैं नहीं बोला माँ के पास लाने के लिए। उनकी गलती नहीं है, माँ बोल दो उनको कि छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर रहे हैं वो, मेरे लिए वो भगवान है। मत मारो। पापी, पापी है तू। मैं पापी नहीं हूँ माँ, तेरी गोद में मर रहा हूँ, पुण्य किया है मैंने। कहाँ किसी को ऐसा मौका मिलता है, और ये मौका दिलवाया इस पुलिस वाले ने। नमस्ते सर, आखिरी इच्छा पूरी करने गया। Dangam